मैं भारतीय वायुसेना का रिटायर्ड सार्जेंट हूँ। 1971 में उस समय हम छबुआ से सिलचर गए थे और सिलचर जा करके हम लोगों ने एलजी था हमारा एडवांस लैंडिंग ग्राउंड, और वहाँ से हमारी वायुसेना ने ईस्ट पाकिस्तान की वायुसेना को नष्ट कर दिया था। इसी बीच में हमारे स्थल सैनिक जो थल सैनिक हैं उन लोगों ने मुनाबाव जा करके और पाकिस्तान के दांत खट्टे कर दिए थे। पाकिस्तान में बहुत अंदर तक हम लोग घुस गए थे। लाहौर हमारे कब्जे में आने वाला था। कराची में नौसेना ने उस दिन 4 दिसंबर को ऐसा विध्वंस मचाया था कि उनको जो अमेरिका ने दी हुई थी पीएनएस गाजी एक पनडुब्बी उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए थे। हालांकि अमेरिका ने अपना 7th फ्लीट के नाम से एक पूरा बेड़ा भेजा था बंगाल की खाड़ी में, लेकिन हमारे INS विक्रांत को वहां देख करके वो भी कुछ कार्यवाही नहीं कर पाए और हमने 16 दिसंबर को ईस्ट पाकिस्तान को बांग्लादेश के रूप में परिवर्तित कर दिया। 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों का सरेंडर हुआ। यह अलग बात है कि हम उसका कोई भू राजनीतिक लाभ नहीं ले पाए, लेकिन हम लोगों ने जनरल न्याजी को मजबूर कर दिया कि वो जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा के सामने अपनी पिस्तौल जमा करें और सरेंडर के डॉक्यूमेंट पर साइन करें। इसीलिए आज हम 16 दिसंबर को विजय दिवस के रूप में मनाते हैं। मैं 84 में रिटायर हुआ, 84 में, और 71 की लड़ाई में हम बांग्लादेश में थे, और जो हमारी तीनों सेना ने मिल के वो अपने पाकिस्तान का तमाशा करा, वो आखिर को उनको भागना पड़ा और हम लोगों की जीत हुई। जनरल न्याजी को बंधक बनाया हमारे जन साहब ने और हमारे बांग्लादेश अलग देश बनवा दिया।